गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू. टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अ पोयम. आई स्पीक साइन लैंग्वेज बाय सारा इस्माइल एंड दिस पोयम इज अबाउट पीपल हु यूज साइन लैंग्वेज. कम्युनिकेशन इज द मीन्स ऑफ शेयरिंग आवर फीलिंग्स एंड थॉट्स विद अदर्स. कम्युनिकेशन क्या है? एक मीन है, करेक्ट, जिससे हम लोग क्या कर सकते हैं, अपने जो थॉट्स हैं, अपनी फीलिंग्स हैं, वो हम लोग एक दूसरे के साथ शेयर कर सकते हैं. द मोस्ट कॉमन मोड ऑफ कम्युनिकेशन इज वर्बल और द यूज ऑफ स्पोकन वर्ड्स. वर्बल कम्युनिकेशन मतलब क्या होता है? जो हम लोग बात करते हैं एक दूसरे के साथ, दैट इज वर्बल कम्युनिकेशन. तो सबसे कॉमन मेथड कौन सी है कम्युनिकेशन की? वर्बल कम्युनिकेशन. हाउएवर देयर आर अदर फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन सच एज जेस्चर एंड साइन लैंग्वेज टू. लेकिन वर्बल कम्युनिकेशन के अलावा भी ऐसे कुछ कम्युनिकेशन के वे है, फॉर्म्स है, जैसे कि जेस्चर और साइन लैंग्वेज, जिससे हम लोग क्या कर सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं. रीड दिस पोयम टू फाइंड आउट मोर अबाउट दोज हु यूज साइन लैंग्वेज टू कम्युनिकेट. ये जो पोयम है, ये पोयम पढ़ के हमें पता चल जाएगा कि कुछ ऐसे भी लोग हैं जो क्या करते हैं, कम्युनिकेट करने के लिए साइन लैंग्वेज यूज़ करते हैं. So let's see. I may not hear a single sound. My world may seem quiet for miles around. Your verbal speech is no use to me, but I have a language of my own, you see. देखिए यहाँ पर ये जो अपनी पोएट है, क्या है उनका नाम? सारा इस्माइल. वो क्या कहती है कि हो सकता है कि मुझे एक भी साउंड, एक भी आवाज़, एक भी वर्ड मुझे सुनाई नहीं देता, कि मैं एक भी वर्ड सुन नहीं सकती. माय वर्ड मतलब मेरी दुनिया, मे सीम क्वाइट फॉर माइल्स अराउंड, दूर दूर तक मेरी दुनिया जो है वो कैसी है? क्वाइट है, शांत है, बिल्कुल भी हलचल नहीं है, बिल्कुल भी आवाज़ नहीं है उसमें. योर वर्बल स्पीच इज नो यूज टू मी. और आपके जो वर्बल स्पीच है, वर्बल स्पीच मतलब जो आप लोग बोलते हो, ये सारी चीज़ें मेरे कुछ भी काम की नहीं है. बट लेकिन आई हैव अ लैंग्वेज ऑफ माई ओन, यू सी. क्या आपने देखा है, क्या आपको पता है मेरी एक खुद की लैंग्वेज है? ऐसा किसने कहा है? पोएट ने, करेक्ट. तो पोएट ने यहाँ पे ऐसे क्यों कहा है कि माई वर्ड में सीम क्वाइट फॉर माइल्स अराउंड? बिकॉज ये जो पोएट है सारा इस्माइल, शी इज़ डिफरेंटली एबल एंड शी कांट हियर. ये जो पोएट है अपनी, वो फिजिकली चैलेंज है, वो डेफ भी है और डम भी है. इसीलिए वो कहती है कि मेरी दुनिया में हर जगह क्या है? शांति है, दूर दूर दूरों मीलों तक शांति है, मैं कुछ भी नहीं सुन सकती. आपका जो वर्बल कम्युनिकेशन है, जो वर्बल लैंग्वेज है आपकी, वो सारी मेरे कुछ काम की नहीं है. लेकिन क्या आपको पता है, क्या आपने देखा है कि मेरी एक खुद की लैंग्वेज है? करेक्ट. ये अपना फर्स्ट स्टैंजा कंप्लीट हुआ. देन सेकंड, सबटाइटल्स आर ऑन व्हेन आई वॉच द टेली. आई वोंट इवन ब्लिंक एट योर रंबलिंग बेली. यू मे लुक टॉयज एट व्हाट आई कॉल स्पीच, बट फॉर मी इट कीप्स योर वर्ड विद इन रीच. क्या कहा है इन्होंने कि जब मैं टीवी देखती हूँ, टेली मतलब टेलीविजन, तो क्या ऑन होता है, मतलब क्या रहता है वहाँ पर? सबटाइटल्स. क्या होता है सबटाइटल्स? मतलब सबटाइटल्स आर एक्सप्लेनेटरी टेक्स्ट दैट अपीयर एट द बॉटम ऑफ अ वीडियो और फिल्म. जब मैं टीवी देखती हूँ तो मैं क्या पढ़ती हूँ? सबटाइटल्स, ठीक है. आई वोंट इवन ब्लिंक एट योर रंबलिंग बेली. आई वोंट इवन ब्लिंक एट योर रंबलिंग बेली. ऐसा क्यों कहा गया है, क्या है? क्योंकि पोएट, द पोएट विल नॉट ब्लिंक बिकॉज शी कैन नॉट हियर द रंबलिंग बेली एज शी इज डेफ. यू मे लुक टॉइस एट वॉट आई कॉल स्पीच. अब यहाँ पर स्पीच मतलब क्या है? जेस्चर और साइन लैंग्वेज, ठीक है. तो उन्होंने कहा है कि मैं जिसे स्पीच कहती हूँ, तो अगर मैं वैसे उस तरीके से बात करूँगी, मतलब बाय यूजिंग साइन लैंग्वेज, तो आप दो दो बार मेरी तरफ देखोगे. ऐसे क्यों कहा है कि वाई वी लुक टॉइस एट इट? बिकॉज वी डू नॉट अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ दोज जेस्चर्स. क्योंकि वो लोग जो साइन लैंग्वेज यूज़ करते हैं, उनका मीनिंग हमें समझ में नहीं आता है. बट फॉर मी,
लेकिन मेरे लिए इट कीप्स योर वर्ड विद इन रीच. लेकिन मेरे लिए ये जो साइन लैंग्वेज है ये बहुत महत्वपूर्ण है. क्यों है? क्योंकि ये है, ये जो साइन लैंग्वेज है ये मेरे लिए यूज़, मतलब मैं इसे यूज़ करती हूँ किस चीज़ के लिए? आपकी दुनिया, आपकी जो दुनिया है. कौन सी दुनिया? स्पोकन वर्ड, जहाँ पर आप लोग बात करते हुए. अगर मुझे उस दुनिया के साथ चलना है तो मुझे क्या करना है? मुझे साइन लैंग्वेज यूज़ करना है. और विद द हेल्प ऑफ द साइन लैंग्वेज मैं आपकी मॉडर्न दुनिया के साथ साथ चल सकती हूँ. ठीक है, इस सांसा में सबसे पहले बताया गया था कि सब जब मैं टीवी देखती हूँ तो क्या पढ़ती हूँ मैं? सबटाइटल्स, करेक्ट. देन फिर कहा गया है कि आई वोंट इवन ब्लिंक एट योर रमलिंग बेली. मतलब होता है वो जो पर्सन है वो खुद ये है, द पर्सन विल नॉट ब्लिंक बिकॉज शी कैन नॉट हियर द रमलिंग बेली एंड शी इज डेफ. देन यू मे लुक टॉयज एट वॉट आई कॉल स्पीच. मैं जिसे स्पीच कहती हूँ, जैसे जेस्चर और मेरी साइन लैंग्वेज, उसकी तरफ आप दो दो बार देखोगे क्योंकि वो आपको समझ में नहीं आती है. बट फॉर मी, लेकिन मेरे लिए इट कीप्स योर वर्ड विद इन रीच, कि आपके जब आपकी जो दुनिया है उसके साथ साथ चलने के लिए ये मुझे बहुत यूजफुल है. देन आई कॉल इट साइन लैंग्वेज. मैं इसे क्या कहती हूँ? साइन लैंग्वेज. देर आर नो अदर नेम, मतलब वहाँ पर कोई दूसरा नाम है ही नहीं उस लैंग्वेज के लिए. टू दोज हु कैन हीयर इट लुक्स लाइक फन एंड गेम्स. जो लोग सुन सकते हैं उन्हें क्या लगेगा? मतलब हम लोग जब साइन लैंग्वेज यूज़ करते हैं, अलग अलग टाइप के जेस्चर यूज़ करते हैं, तो जो लोग सुन सकते हैं उन्हें ऐसा, उन्हें ये सारी चीज़ें कैसे लगती हैं? एक फन के जैसे लगती है, गेम के जैसे लगती है. बट इट्स सो मच मोर फॉर ऑल इट्स स्पीकर. लेकिन ये बहुत इम्पॉर्टेंट है किन लोगों के लिए? इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर ऑल इट्स स्पीकर बिकॉज दे कैन यूज़ इट टू कम्युनिकेट देयर फीलिंग्स एंड थॉट्स. क्योंकि वो लोग क्या कर सकते हैं? वो लोग वर्बली तो बात नहीं कर सकते, करें वर्बली कम्युनिकेट नहीं कर सकते हैं, इसलिए वो लोग साइन लैंग्वेज यूज़ कर कर क्या करते हैं? कम्युनिकेट करते हैं, अपनी फीलिंग्स, अपने थॉट्स शेयर करते हैं. वी हैव वर्ड्स फॉर एवरीथिंग. हमारे पास हर चीज़ के लिए अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट वर्ड है. फ्रॉम बसेस टू बीकर्स, बस से लेकर बीकर तक हर चीज़ के लिए वर्ड है हमारे साइन लैंग्वेज में. ठीक है, समझ में आया यहाँ तक? देन नेक्स्ट पेज. कम्युनिकेशन यू सी डजंट हैव टू बी स्पोकन. साइन लैंग्वेज फिक्स अ वॉल्यूम स्विच दैट स्टार्टेड आउट ब्रोकन. We even have a dictionary filled with pictures, though it may be. यहाँ पे क्या कह रही है पोएट कि कम्युनिकेशन यू सी डजेंट हैव टू बी स्पोकन. मतलब देर आर मेनी वेज ऑफ कम्युनिकेटिंग अपार्ट फ्रॉम द वर्बल कम्युनिकेशन. उनका कहना है कि कम्युनिकेशन करने के लिए बात करना ही ज़रूरी नहीं है. साइन लैंग्वेज इज़ वन फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन विच अ पर्सन हु कैन नॉट स्पीक कैन यूज टू एक्सप्रेस हिमसेल्फ और हरसेल्फ. खुद को एक्सप्रेस करने के लिए, अपने थॉट एक्सप्रेस करने के लिए साइन लैंग्वेज यूज़ कर सकते हैं. साइन लैंग्वेज फिक्स्ड अ वॉल्यूम स्विच दैट स्टार्टेड आउट ब्रोकन. साइन लैंग्वेज फिक्स अ वॉल्यूम स्विच दैट स्टार्टेड आउट ब्रोकन इम्प्लाइज दैट, इसका कहना ऐसा है दैट इट हैज़ गिवन द पावर टू अ पर्सन, म्यूट और डेफ पर्सन, टू एक्सप्रेस देमसेल्फ. मतलब साइन लैंग्वेज ने क्या किया है? जो लोग बात नहीं कर सकते, जिन लोगों को सुनाई नहीं देता, उन लोगों को क्या किया है? उन लोगों को साइन लैंग्वेज ने पावर दी है. किस चीज़ की? टू एक्सप्रेस देमसेल्फ्स, करेक्ट. दे कैन डू सो बाय यूजिंग साइन लैंग्वेज. मतलब साइन लैंग्वेज यूज़ कर सक करके वो लोग खुद को एक्सप्रेस कर सकते हैं, अपने प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, करेक्ट. देन वी इवन हैव डिक्शनरी, कि हमारी जो है उसकी डिक्शनरी भी है फिल विद पिक्चर्स दो इट में भी. जैसे हम लोगों की जो डिक्शनरी होती है उसमें क्या होते हैं? वर्ड्स के मीनिंग होते हैं. लेकिन इन लोगों की जो डिक्शनरी है उसमें क्या होते हैं? उसमें पिक्चर्स होते हैं. मतलब पूरी डिक्शनरी में पिक्चर्स रहते हैं और पिक्चर से वो लोग समझ में जाते हैं कि उस वर्ड का क्या मीनिंग है. देन नेक्स्ट आंसर, माय वर्ड मे सीम साइलेंट एंड लोनली टू यू बट थैंक्स टू माय लैंग्वेज
That's not at all true. My language started small, but soon it grew. I speak sign language. Can I teach it to you? इस स्टांजा में पोइट कहती है कि जो मेरी दुनिया है वो आपको कैसे लगती होगी, आपको एकदम शांत साइलेंट सी लगती होगी एंड लोनली टू यू, और ऐसे लगती होगी कि जहाँ पर कितनी तन्हाई है, कितना अकेलापन है, बट थैंक्स टू माय लैंग्वेज दैट्स नॉट एट ऑल ट्रू. लेकिन वो कहती है कि मैं अपनी जो साइन लैंग्वेज है उसे थैंक यू कहती हूँ, क्योंकि आपको ये जो चीज़ें लगती है ना कि हमारी दुनिया बहुत साइलेंट होगी, लोनली होगी, ऐसा कुछ भी नहीं है. माय लैंग्वेज स्टार्टेड स्मॉल बट सुन इट ग्रो. इसका क्या मीनिंग है? जब पोएट ये कहती है कि मेरी लैंग्वेज कैसे स्टार्ट हुई थी स्मॉल बट सुन इट ग्रो, इसका मीन ऐसा है कि वाइस से स्टार्टेड कम्युनिकेटिंग विद द पीपल अराउंड हर इन साइन लैंग्वेज. जब वो दूसरों के साथ बात कर रही थी विद द हेल्प ऑफ साइन लैंग्वेज, दे स्टार्टेड टू लर्न इट, तो लोगों ने भी स्टार्ट की वो चीज़ सीखने के लिए, करेक्ट, सो दैट दे कुड ऑल्सो कम्युनिकेट विद हर इन द सेम मैनर. जैसे आप एक एग्जाम्पल लीजिए, अगर आपका कोई फ्रेंड है या फिर मेरी कोई फ्रेंड है जो साइन लैंग्वेज यूज़ करके मुझसे मेरे साथ बात कर रही है, तो मुझे अगर उसकी बातें समझनी है तो मुझे भी तो साइन लैंग्वेज आनी चाहिए, तो मैं क्या करूँगी, मैं भी खुद सीखूँगी, करेक्ट. तो ये क्या हो गया, लैंग्वेज एक आदमी सीखा, उसके साथ साथ बात करने के लिए दूसरा आदमी भी सीखता है. इसलिए यहाँ पर कहा है कि लैंग्वेज स्टार्टेड स्मॉल बट सुन इट ग्रो, ठीक है, मतलब वो जो पोएट है वो किसी के साथ बात करेगी तो वो जो सामने वाला आदमी है वो भी सीख जाएगा साइन लैंग्वेज, करेक्ट, और इस तरह से क्या हो जाएगा, दिस लीड एन इंक्रीज इन द नंबर ऑफ पीपल यूजिंग साइन लैंग्वेज. आई स्पीक साइन लैंग्वेज, कि मैं साइन लैंग्वेज यूज़ करती हूँ, मैं साइन लैंग्वेज में बात करती हूँ. कैन आई टीच इट टू यू, पोएट ने पूछा है कि मैं तो साइन लैंग्वेज यूज़ करती हूँ, क्या मैं आपको सिखा सकती हूँ? तो आपको क्या लगता है ऐसा क्यों पूछा होगा यहाँ पर? बिकॉज द पोएट वॉन्ट्स टू टीच एवरी वन साइन लैंग्वेज. क्यों? सो दैट दे वुड कम्युनिकेट विथ ईच अदर. और इसका क्या होगा, इसका इफेक्ट क्या होगा, द इफेक्ट ऑफ मोर पीपल लर्निंग द साइन लैंग्वेज विल बी दैट दिस लैंग्वेज विल ग्रो एंड बिकम पॉपुलर जस्ट लाइक अ वर्बल लैंग्वेज. जैसे हमारी वर्बल लैंग्वेज एकदम पॉपुलर है, सब लोग यूज़ करते हैं, वैसे ही क्या होगा, साइन लैंग्वेज भी पॉपुलर हो जाएगी. और इन सारी चीज़ों का फ़ायदा क्या होगा, दिस विल हेल्प पीपल टू कम्युनिकेट विद दोज हैविंग स्पीच इम्पेडिमेंट एंड ऑल्सो हेल्प देम अंडरस्टैंड डिफरेंटली एबल्ड. ये है हमारी पोयम. और हम मैंने आपको बताया था कि यहाँ इस भी जो पोएट है जिन्होंने लिखी है पोयम, वो खुद कैसी है, वो खुद डेफ और डम्ब है, ठीक है. तो अभी हमने ये पोयम पढ़ी, तो आपको पोयम पढ़ के पोएट का एटीट्यूड कैसे लगा? एकदम ऑप्टिमिस्टिक और होपफुल एटीट्यूड है, करेक्ट. ऑप्टिमिस्टिक मतलब आशावादी. शी इज़ नॉट डिस्करेज्ड बाय हर इनएबिलिटी टू स्पीक और हियर. शी फर्मली बिलीव्स एंड प्रूव्स दैट there are other forms of effective communication like sign language and hence she does not have to rely on verbal communication. उन्होंने ऐसा नहीं किया कि मुझे ये चीज़ नहीं आती है, verbal communication नहीं आता है, तो वो थक कर हार कर नहीं बैठ गई. उन्होंने क्या यूज़ करना स्टार्ट किया, sign language.